ठीक है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस यानी होती है ग्लिम्स, ग्लिम्स माने होती है झलक, जैसे हम किसी चीज की एक ग्लिम्स लेना चाहते हैं, ग्लिम्स यानी जैसे हम कोई एक एक नमूना देखते हैं और पूरा आकलन कर लेते हैं, किसी एक चीज को हम समझ देखते हैं और पूरी चीज का आकलन कर लेते हैं, उसी को कहते हैं ग्लिम्स। भाई आप पहचान हो जाते हैं किसी चीज की, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई चीज, किसी की भी पहचान बन सकती है, तो वही एक पहचान जो है वही ग्लिम्स है। यहाँ ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया में अब जब भारत के झलक की बात होती है तो भारत की बात बहुत विस्तृत है, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वैराइटीज। क्या? इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वैराइटीज, भारत विभिन्नताओं का देश है। यदि भारत की ग्लिम्स लेनी हो तो इतनी ग्लिम्स है, इतनी झलक है कि आप झलक लेते रह जाएंगे और भारत की झलक खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन एक एक मुख्य मुख्य पॉइंट एक किसी राज्य की, एक किसी डिस्ट्रिक्ट की, या एक किसी पर्टिकुलर एरिया की एक झलक देखनी हो, जैसे यहां जो पढ़ने वाले हैं ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, इसमें है बेकर फ्रॉम गोवा। क्या है? ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का बेकर। तीन चीजों की पहचान, कुछ मुख्य चीजों को लेकर के जो है लेखक ने आपके सामने, लुसियो रॉड्रिग, कौन है? लुसियो रॉड्रिग ने कुछ चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें भारत की कुछ झलक देखने को मिलेगी। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजों को और समझ लो कि भारत की जो पहचान है वो विविधता में एकता की भी है। भारत में क्या है? विविधता में एकता। हमने कहा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वैरायटी एंड देयर इज यूनिटी अमंग वैरायटी, यानी उन विभिन्नताओं में भी क्या है? यूनिटी देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। वैरायटीज में क्या है? तो हर आदमी बाय फेस एंड फिगर, है ना, बाय लिविंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल, इन लैंग्वेज, इन फूडिंग एंड क्लॉथिंग, पहनावे में देख लो, रहन सहन में देख लो, हर एक चीज में, यहाँ तक कि कल्चरल एंड ट्रेडिशनल, या कल्चरल ट्रेडिशन जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो सब डिफरेंट हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी परंपराएं, हम सब अपने अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन सबके अंदर एक यूनिटी है। यूनिटी क्या है? एमंग ऑल दीज वेराइटीज देयर इज ए यूनिटी दैट वी आर इंडियन। सबके मन में एक बात है, क्या? हम भारतीय हैं। वी आर रिलेटेड टू द डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन आल्सो, हम अलग अलग जाति और धर्म के हैं। जाति धर्म देखो, हमारे देश में ढेर सारी जातियां और धर्म हैं, लेकिन सारी जातियों और धर्म में एक यूनिटी यही है, क्या? कि सारी जाति और धर्म एक जगह खो जाती है, विलुप्त हो जाती है जब ये बात आती है आप कौन हैं, तो हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। ये इंडियन, टू बी इंडियन इज अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग आवर माइंड। भाई हमारे यहां ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, और उनमें से कोई एक व्यक्ति चला जाए विदेश तो वहां पूछेंगे आप कौन हैं, तब क्या कहेगा? हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं? नहीं, हम भारतीय हैं। यहां तक कि एक मुसलमान यदि उस कंट्री में चला जाए जहां मुस्लिम कंट्री है, जहां केवल मुसलमान रहते हैं, तो क्या वहां वो कहेगा कि मैं मुसलमान हूं? उसकी पहचान मुसलमान के रूप में होगी। मींस चाहे वो किसी जाति और धर्म से संबंध रखते हो, उनकी एक ही आइडेंटिफिकेशन है, एंड दैट इज टू बी एन इंडियन। एक भारतीय होना ही उनकी पहचान है, इससे हटकर उनके पास और कोई पहचान नहीं हो सकती। अपने घर में रहकर हम चाहे जिस जाति धर्म की बात करें, हमारी बाहर एक ही पहचान है कि हम भारतीय हैं, और भारतीयों की पहचान ये है कि ये विभिन्नताओं से भरे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेराइटीज बट
देयर इज ए ग्रेट यूनिटी हेरिटेज ऑफ यूनिटी एमंग द वेराइटीज एमंग ऑल दीज वेराइटीज. इन सभी वेराइटीज में भारतीय होने की एक यूनिटी सभी लोगों में है. हमारे यहां की तो कहावत रही है कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी. भाषा देखो लैंग्वेज लैंग्वेज बदल जाती है हमारे यहां और थोड़े मोड़े जगह पे नहीं एक कोस पर क्या बदल जाती है पानी. पानी देखो यहाँ के हैंडपंप का पानी पियो और आगे जाके किसी हैंडपंप का पानी पियो एक जगह का जो है कहीं दो चार किलोमीटर जाने के बाद पानी पियो कहते हैं सर्दी हो गई हमको पानी बदल गया. यानी पानी बदल जाती है एक एक कोस यानी लगभग डेढ़ किलोमीटर दो किलोमीटर पर और वाणी बदल जाती है भाषा बदल जाती है चार कोस पर 15 किलोमीटर के इर्द गिर्द चले जाओ. अब तो खैर हर जगह ये भाषा वाले आ गए हैं हर जगह एक दूसरे की भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं यानी भाषा बदल जाती है. क्या है ऑल दीज थिंग्स आर वेराइटीज. पहनावा देख लो अपना अपना सबके पहनावे फेस चेहरे देख लो भाषा देख लो है कि नहीं खान पान देख लो उसके बाद अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज देख लो. रीति रिवाज कस्टम्स रीति रिवाज क्या है हमारे यहाँ ये नहीं चलता हमारे यहाँ ये नहीं चलता हमारे यहाँ ऐसे होता है ये क्या है ये रीति रिवाज. हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको रीति रिवाज वो हमारी पहचान है. दीज आर द ग्लिम्सेस ये हमारी क्या है पहचान है. इसीलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए. हम अपनी पहचान को अपने साथ रखते हैं तो हमारा अस्तित्व बना रहता है. इसी तरह से लेखक ने एक ऐसी झलक आपको देने का प्रयास किया है जो गोवा की पहचान बताता है. किसकी पहचान गोवा की और गोवा की पहचान किसके किससे मानी जाती है नहीं बेकर से बेकर बेकर यानी सेक रोटी बनाने वाले या रोटी सेकने वाले पाव रोटी सेकने वाले जो थे उनको कहा जाता था बेकर ठीक है. और ये बेकर जो होते थे वो पाव रोटी बनाकर अपने जो है बास्केट यानी टोकरी में लेकर जाया करते थे और वो टोकरी में लेकर दरवाजे दरवाजे घूमते थे और उनको वो रोटियां बेचा करते थे. और गोवा के लोगों का यह प्रिय नाश्ता था ब्रेकफास्ट था कि वो सुबह के समय उस बेकर का इंतज़ार करते थे और उस बेकर के आने का इंतज़ार कर जो है अपने नाश्ते के लिए बेकर का इंतज़ार करते थे क्योंकि ये उनका शौक था. यानी वो उनका नाश्ता पाव से ही शुरू होता था यानी पाव रोटी से ही होता था. इसलिए बेकर वाज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द पर्सन ऑफ गोवा फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोवा के लोगों के लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता था. और केवल इतना ही नहीं तब के समय का वो बेकर इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता था कि जो फर्नेसेज होती थी भट्टियाँ सबके घर भट्टी नहीं होती थी केवल वो बेकर के पास एक भट्टी होती थी जिसमें वो अपना पाव बनाया करता था और प्रत्येक सुबह सबके दरवाजे दरवाजे घुमा करता था और बेचता था. उसकी पहचान थी सवेरे जब तक वो मिलता था लोग उससे मिल नहीं लेते थे तब तक लोगों के दिन की शुरुआत नहीं होती थी. वो इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन था कि लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे और वो भी बड़े शौक के साथ. उसका पहनावा होता था अभी इसमें आएगी बात कि उसका पहनावा होता था कि वो घुटने के नीचे तक का अपना वो शर्ट कमीज पहनता था और एक जो है वो हाफ पैंट पहना करता था और वो मोटा बांस का एक थड लेकर के थड यानी जिस पर वो अपनी टोकरी रखता था उसी को पटक पटक कर चलता था. उसकी पहचान थी कि जब वो चलता था तो उसके पटकने की आवाज़ सुनकर के लोग घरों से बाहर आते थे कि आ गया बेकर और बेकर से हमें सामान खरीदनी चाहिए. और बेकर सबसे इंटरेस्टिंग होता था उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते थे और उस बेकर के इर्द गिर्द आकर घूमते थे और कोई गिफ्ट में मिलने वाली पाव रोटी के चक्कर में पड़े रहते थे. यानी हो सकता है कि वो जो बेकर है कोई एक पाव निकाल कर दे दे और उसी पर वो खुश हो जाया करते थे. और वो पाव वाला भी तरह तरह के पाव बनाया करता था जिसमें
जो है वो चूड़ी के आकार की, रिंग के आकार की, कई तरह की पाव बना करके बच्चों को लुभाता भी था ताकि वो चले तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे चलते थे, और वो उन्हीं में से कुछ निकाल कर उन्हें दिया करता था। ये बेकर थी, ये बेकर की पहचान थी गोवा में, और बेकर की पहचान जो है ऐसी बनी कि गोवा को बेकर के नाम से जाना जाने लगा। बेकर बड़ा इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ गोवा के लोगों के लिए, यहाँ तक कि गोवा के लोग बेकर के सुख दुख के साथी होते थे, और बेकर भी अपने गांव के लोगों की हमेशा मदद करता था। जैसे किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम प्रयोजन हो जाए तो बेकर की भट्टी ली जाती थी, उसी भट्टी से पूरे, जैसे किसी के यहाँ बारात आने वाली हो तो बेकर की भट्टी में ही सारे कार्य काम जो है मिठाइयाँ बनाना या कुछ करना, या छोटे मोटे जैसे गांव घर में लड़कियों की विदाई होती है ना, कि लड़कियाँ जो है जब उनके शादी के बाद विदाई होने लगती है तो उनके साथ मिठाई उठाई बना के भेजा जाता है ना, तो वो मिठाई उठाई बनाने के लिए औरतें कहाँ जाएँ, तो उन्हीं भट्टियों में जाया करती थी, भट्टियों के पास, उसमें जो है उन्हीं बेकर्स की भट्टियों से जो है आग जला करके उसी में अपना जो है सामान तैयार करती थी और विदाई में दिया करती थी। यानी ये जो बेकर्स थे ये इम्पॉर्टेंट पर्सन गोवा के लिए थे, इसीलिए गोवा की पहचान ही क्या थी, बेकर की। इसीलिए बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर का नाम क्या दिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। ए बेकर फ्रॉम गोवा रिवॉल्व्स अराउंड द रेलिवेंस ऑफ ए बेकर इन द गोवा कल्चर विच डेट्स बैक टू द टाइम व्हेन पोर्टुगीज रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा। यानी ए बेकर जो था वो जो रोटी या पाव रोटी बेचने वाला गोवा का जो था वो रिवॉल्व्स घूमता था अराउंड द रेलिवेंस ऑफ ए बेकर इन द गोवा कल्चर। गोवा के संस्कृति में इस जो है रोटी बनाने वाले के इर्द गिर्द घूमता है, विच डेट्स बैक टू द टाइम, जो हमें उस समय वापस ले जाता है व्हेन पोर्टुगीज, पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली लोगों का शासन था, रूल्ड ओवर द सिटी ऑफ गोवा, जो गोवा के शहर में शासन किया करते थे। द पोर्टुगीज मे हैव लेफ्ट बट द ब्रेड मेकर्स कंटिन्यू टू हैव एन इनएविटेबल स्टेचर। द पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली जो थे मे हैव लेफ्ट, वो चले गए, बट द ब्रेड मेकर्स जो रोटी बनाने वाले थे वो कंटिन्यू लगातार टू हैव एन इनएविटेबल स्टेचर, वो अपना एक स्थान जारी रखे या अपना यह कार्य जारी रखे। इन दिस स्टोरी द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज, इस कहानी में लेखक जो है अपने बचपन को याद करते हैं और देयर एक्साइटमेंट और अपनी उत्तेजना को याद करते हैं ऑन सीइंग द बेकर, जो हुआ करती थी किसी बेकर को देखने के बाद। यानी लेखक जब छोटे थे और बेकर आया करता था तो उनके मन में क्या जो है उत्तेजना होती थी या किस तरह से उत्साह होता था उसे देखकर, वो यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। दे वर एंथुजियास्टिक टू द पॉइंट दैट, ये जो है जोश से भरे होते थे इस बिंदु को लेकर कि दे वुड रन टू हिम एज सून एज दे वोक अप विदाउट इवन ब्रशिंग देयर टीथ। यानी वे इस बिंदु को दर्शाते हैं कि वे कैसे उठते थे और दौड़ पड़ते थे, एज सून एज दे वोक अप, जितना जल्दी वो उठते थे जगते थे बिना दांत को साफ किए ही दौड़ पड़ते थे, कहाँ, रोटी वाले के पीछे, बेकर के पीछे। यानी हार सवेरे मंजन रतुवन से मतलब नहीं होता था, बस बेकर आया, बेकर आया उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ते थे। ये देखो परंपरा कब चली भाई, ब्रेड हमारे यहाँ की परंपरा में नहीं रहा है, हमारे यहाँ की परंपरा ब्रेड खाने की या पाव रोटी खाने की तो रही नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा अपने भाई दूध दही मक्खन वाला हमारा देश रहा है। ये कब आया, जब पुर्तगालियों का शासन था गोवा में, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगालियों को पाव रोटी पसंद थी, तो उन सबों ने एक ट्रेडिशन बनाया, ट्रेडिशन माने परंपरा शुरू हो गई। परंपरा किसकी शुरू हुई, पाव रोटी का वो नाश्ता करते थे तो उस पाव रोटी का नाश्ता करने के लिए उनको चाहिए कौन देगा, तो वो एक आदमी
तैयार किए जो बनाया करता था। अब वो आदमी जो है बना बना के सबको खिलाने लगा तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, लोगों की आदत बन गई। और लोगों की आदत बन गई तो पुर्तगाली तो हमारे देश से चले गए लेकिन बेकर रह गया। क्यों? क्योंकि अब तो आदत बन गई थी। जैसे चाय हमारी थोड़ी है, अभी चाय के बारे में भी पढ़ेंगे, चाय कहाँ से आई है। चाय, हाँ चाय नाम ही है चीन का, चीन से ही रिलेटेड है इसलिए उसका नाम चाय और चीनी। ये दोनों कहाँ से आई हैं? चीन से ही। चाय और चीनी, चीनी हमारे यहाँ का नहीं है, गुड़ हमारे यहाँ का है। हाँ साहब, चाय वाला ले लो, इसीलिए वहाँ के लोगों का नाम ऐसे होता।